हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसका मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्या क्या रहता है, जिससे कि हमारा एक्सीडेंट ना हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं जो दिखा रहा हूँ ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा एयर सर्किट ब्रेकर में मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्या क्या रहता है। सबसे पहला जो हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन है, जो आप देख सकते हैं इधर, तो ये है हमारा एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया हुआ है, जो हमारा ऑफ और ऑन का पुश बटन है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया हुआ है, ठीक है, जिसके उठाने के बाद ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आके गलती से इसको टच कर दे, या फिर किसी भी तरह से गलती से हमारा कुछ भी सामान लग के ये प्रेस हो जाए, तो ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर क्या है ऑपरेटेड हो जाएगा, या फिर ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो उसी टाइप का एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रांसपेरेंट स्लॉट दिया हुआ है, जैसे कि गलती से भी कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सेकंड जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन हमारा एसीबी में दिया हुआ था है, जब हम एसीबी को रैकआउट करना चाहेंगे। तो रैकआउट करने के लिए हमको पहले ये वाला स्लॉट खोलना होता है, तो और हमारा ये जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन इस स्लॉट में दिया होता है। जैसे कि हम इस स्लॉट को ओपन करना चाहते हैं पर ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे पहले हमको ये ऑफ बटन को पुश करके दबा कर रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए एसीबी को बाहर निकलने के लिए ये वाला स्लॉट को हमारा यूज में आएगा। जैसे नॉर्मल इसको ओपन कर रहा हूँ, जितना भी कोशिश कर रहा हूँ ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए पहले आपको ये ऑफ बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, इसके बाद ही ये ओपन हो जाएगा। अभी ओपन हो गया दोस्तों। इसे आपने देखा, ये पुश बटन को दबा के हमने ये स्लॉट को खोला एसीबी को रैकआउट करने के लिए। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ये तो हम एसीबी को रैकआउट कर रहे हैं और ये स्लॉट खोलने के लिए हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है ये क्यों चाहिए होता है? मतलब हमारा इधर मैकेनिकल प्रोटेक्शन का क्या जरूरत रह गया? तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ, अगर हमारा एसीबी चालू पोजीशन में है, मतलब ये जैसे ऑफ लिख रहे हैं और इधर ऑन है और हमारा लोड चल रहा है, या फिर हम फीडर को हमारा सप्लाई फीड कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा 300 एम्पीयर 400 एम्पीयर करंट जा रहा है, या फिर 50 एम्पीयर भी हो करंट जा रहा है, तो उसी टाइम क्या होता है, जब हम एसीबी को रैकआउट करते हैं तो धीरे धीरे वो पीछे पीछे आता है, मतलब बस बार से दूर होता जाता है, और उसके बाद एक टाइम आता है वो बस बार के उतर के नीचे आ जाता है। जब वो बस बार से तुरंत से उतरता है तभी क्या होता है, हमारा स्पार्क जनरेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी मशीन चल रहा हो और हम क्या करें, ऑन पोजीशन में सुई हो और प्लग को निकाल दें, तभी क्या होगा देखेंगे आप, स्पार्किंग बहुत हैवी स्पार्किंग होगा। तो उसी हिसाब से हमारा एसी भी जब बस बार से उतरेगा या फिर रैकआउट होगा तब क्या होगा, बहुत हैवी स्पार्क होगा जो कि एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। तो इसीलिए जब हम इस बटन को दबाएंगे हमारा एसी भी ऑफ हो जाएगा तुरंत, मतलब सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर देगा। तब क्या होगा, हम धीरे धीरे करके इसको बाहर निकालेंगे। तो ये था उसका सेकेंड नंबर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों अब देखेंगे हम एसीबी का तीसरा नंबर प्रोटेक्शन। तो तीसरा प्रोटेक्शन हमारा क्या है, जैसे हमारा एसीबी अभी देखिए चार्ज पोजीशन में है, ठीक है, और ये ऑफ है, हम इसको अगर ऑन करना चाहेंगे ये ऑन नहीं होगा, देख रहे हैं जितना दबा रहा हूँ ये ऑन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? तो ये है हमारा स्लॉट खुला रह गया है, कभी कभी हमारा हैंडल बाहर निकालने के बाद ये स्लॉट खुला रह जाता है। तो अगर इसमें दौरान ऑन हो जाएगा तभी कोई आके इसको हमारा एसीबी को
रैक से आउट करेगा तभी वो फॉल्ट होने का चांस रह जाएगा, जो हम सेकंड नंबर मैकेनिकल प्रोटेक्शन में डिस्कशन किए थे। तो इसलिए जब तक ये स्लॉट ओपन रहेगा तभी क्या होगा, हमारा ये एसीबी ऑन नहीं होगा। तो इसको हम कैसे ऑफ करेंगे, ऐसे तो इसको ऐसे हाथ से खींचेंगे तभी ये बंद नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ऐसे हैंडल को ऐसे अनलॉक करके निकालना है और यहाँ पर ऐसे दबा देना है, तो ऐसे टक के साउंड होता है तभी क्या होता है, हम निकालेंगे ये स्लॉट बंद होगा। देखिए ये स्लॉट बंद हो गया। अभी क्या करेंगे, हम हमारा एसीबी को ऑन करेंगे। देखिए देखिए अभी हमारा एसीबी ऑन हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा नंबर मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो हमारा चौथा नंबर मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो गया वो क्या है, हमारा एसीबी को रैक आउट करना। जैसे आप देख सकते हैं ये एसीबी हमारा रैक से अंदर है, अभी हम इसको रैक से बाहर निकालेंगे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा एसीबी रैक से बाहर हो गया। अगर आप लोग को जानना हो कि एसीबी को हम रैक से कैसे बाहर निकालें तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ हूँ यूट्यूब में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर जाके आप वो एसीबी को बाहर कैसे निकालते हैं उसका बारे में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों एसीबी हमारा बाहर निकल गया और इधर आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्कनेक्ट पोजिशन में आ गया। ये देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट पोजिशन में आ गया। तो ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा एसीबी बस बार में अटैच होता है, एसीबी का जो इनकमिंग होता है वो नीचे के साइड में जुड़ता है और आउटगोइंग जो होता है हमारा ऊपर के साइड में जुड़ता है। तो हमारा एसीबी क्या होता है, मेन बस बार से डिस्कनेक्ट पूरा हो गया, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, हम अगर एसीबी को ऑन या ऑफ करते हैं हमारा आउटपुट साइड्स में कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं होगा। ये रैकआउट पोजिशन में भी ऑन ऑफ हो सकता है, पर इसमें क्या होगा, पावर सप्लाई या फिर पावर फीड करने का वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बस बार से बाहर निकल गया है या फिर रैक से ही बाहर निकल लगा हुआ है। तो क्या है, कोई भी आके इसको ऑन नहीं कर सकता। जैसे कि आउटपुट में, मान लीजिए आउटपुट में कोई काम चल रहा है, या फिर ये जैसे हमारा हीटर है जो कि स्पेयर रेफ्रिजरेशन सेक्शन पे कोई भी काम चल रहा है, तो अगर हम इस फीडर को या फिर इस एसीबी को बाहर निकाल दें तब क्या होगा, कोई भी आके अगर इसको ऑन भी करेगा तो रेफ्रिजरेशन एमसीसी को ये सप्लाई फीड नहीं हो पाएगा, भले ही हमारा एसीबी ऑन पोजीशन में हो। तो इसीलिए ये हमारा एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन में आता है, जो कि मैकेनिकली बस बार को डिस्कनेक्ट कर देता है। दोस्तों हमारा जो फिफ्थ नंबर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन है वो है हमारा लॉक प्रोटेक्शन या फिर की प्रोटेक्शन या फिर उसको इंटरलॉकिंग प्रोटेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। दोस्तों ये जैसे आप लॉक टाइप का देख रहे हैं ये हमारा फिफ्थ नंबर का प्रोटेक्शन में आता है, ठीक है। मतलब मैं आपको ये जो सीक्वेंस बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 ये कहीं पे लिखा नहीं है, मैं अपने हिसाब से एक सीक्वेंसली आपको दिखा जा रहा हूँ। तो इस प्रोटेक्शन में क्या होता है, देखिए ये कब की क्या है, बाहर निकाल नहीं सकते या फिर इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको ऑपरेट करने के लिए क्या होगा, पहले हमको ये ऑफ बटन में पुश करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑफ करेंगे, देखिए अभी देख सकते हैं आप ये ऑफ बटन क्या है, अंदर दब गया है और हमारा की बाहर निकल आया है। तो जैसे ये हमारा की बाहर आ गया है तो हमारा कोई भी इसको ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं चाहूँ भी इस बटन से ऑन नहीं कर सकूँगा जब तक ये हमारा ऑफ बटन ऑपरेटेड हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे मैकेनिकल प्रोटेक्शन से काम करता है, तो दोस्तों अगर आप कोई मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, जैसे इसका जो है आउटपुट जो जा रहा है केबल
उसी में आप कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर आउटपुट जिस फीडर में जाते रहा है जा रहा है उसी फीडर में कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, तब क्या करेंगे हम इसको ऐसे ऑफ करके इसका चाबी लेके चला जाएंगे, ठीक है। उसके जब मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगा तभी जाके इसका हम चाबी ऐसे लगा के उसको रिलीज कर देंगे, उसके बाद हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन काम करता है और हमारा एक्सीडेंट से बचाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, थैंक यू।